बोलो। यस सर, अरे जिसको डाउट है उसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। सेकंड, KClO3 डिकम्पोजेज बाय टू पैरेलल रिएक्शन। पैरेलल रिएक्शन का मतलब होता है जो एक साथ चले। सीरीज रिएक्शन का मतलब होता है जो एक के बाद हो, कि ए से बी बना देन बी से सी बना देन सी से डी बना। देखो सीरीज रिएक्शन ऐसा होता है, ए से बी बना देन बी से सी बना देन सी से डी बना, ये तो होता है सीरीज। और ए से सी भी बन रहा है, डी भी बन रहा है, बी भी बन रहा है, पैरेलल में तीनों चल रही है, तो ये होती है पैरेलल रिएक्शन, है ना। हमको बोला है पैरेलल रिएक्शन है KClO3 डिकम्पोज हो रहा बाय टू रिएक्शन। इफ 3 मोल्स ऑफ O2 एंड 1 मोल ऑफ KClO4 इज प्रोड्यूस्ड। चलिए क्या बोला है, इफ 3 मोल्स ऑफ O2 एंड 1 मोल ऑफ KClO4 इज प्रोड्यूस्ड अलॉन्ग विद द अदर प्रोडक्ट्स, देन डिटरमाइन द इनिशियल मोल ऑफ KClO3। तो देखो रिएक्शन क्या है, KClO3 दो प्रोडक्ट्स में जाता है, दोनों रिएक्शन अलग अलग करके लिखे। जैसे मैं इसको अलग अलग करके लिख दूं ना, ए से सी भी बनता है, ए से डी भी बनता है और ए से बी भी बनता है। पैरेलल रिएक्शन को अलग अलग करके मैं लिख देता हूँ तो क्या होता है, सेम वैसा ही इसको अलग अलग करके लिखा है। KClO3 से 2KCl+3O2 भी बनता है और 4KClO3 से 3KClO4+KCl भी बनता है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात, रिएक्शन दोनों ही बैलेंस है। जो हमको रिएक्शन गिवन है वो बैलेंस रिएक्शन गिवन है, तो ध्यान से सुने मेरी बात, बैलेंस रिएक्शन हमको गिवन है। हमको बोला है 3 मोल्स तो O2 मिलता है, O2 के मोल्स 3 मिलते हैं और KCl के मोल कितने मिलते हैं, सॉरी KClO4 के मोल मिलते हैं 1। इतनी बात समझ आती है? यस सर, अब KClO3 के कितने मोल्स चाहिए 3 मोल O2 बनाने के लिए? बोलो 2 2 मोल्स चाहिए, 2 मोल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ O2। अब इसके कितने मोल चाहिए, इसके देखो 4 मोल से 3 मोल बनता है, तो 1 मोल बनाने के लिए कितना मोल चाहिए होगा, 4/3 मोल से 1 मोल बनेगा। इसके कितने मोल चाहिए होंगे, 4/3 मोल्स रिक्वायर्ड 1 मोल KClO4 बनाने के लिए। बोलो यस सर। तो टोटल मोल्स ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड कितने मोल्स टोटल चाहिए, 2 इसके और 4/3 इसका सम करा तो कितना है, 10/3। समझ गए? बोलो। हाँ सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर E3। E3 अच्छा क्वेश्चन है, E4 तो मतलब E4 तो एडवांस लेवल से भी ऊपर का क्वेश्चन मानता हूँ E4 को मैं। क्वेश्चन देखो E3 में क्या बोला है, 2 ग्राम सैंपल कंटेनिंग दिस एंड दिस। 2 ग्राम का सैंपल है, किसका, Na2CO3 का और NaCO3 का, सोडियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट सीओ3 का पूछा। तो मान लो ये x ग्राम है तो ये कितना ग्राम होगा, ठीक है? बोलो। सर अब हीट करेंगे, Na2CO3 को हीट करेंगे तो क्या होगा, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं होने वाला ऐसा हमने पढ़ा है। और NaHCO3 को हीट करेंगे तो Na2CO3+H2O+CO2। बैलेंस करने के लिए मैंने आगे 2 लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसने बोला है मास में लॉस कितना होता है ऑन हीटिंग, हीट किया ऑन हीटिंग जो मास लॉस है, मास में लॉस कितना होता है, 0.248 ग्राम का। और देखो टेम्परेचर हमारा 300 डिग्री सेल्सियस है, 300 डिग्री सेल्सियस पर H2O भी गैस होता है और CO2 तो गैस होता ही है, तो जो मास लॉस हुआ है, जो मास लॉस हुआ है वो किसकी वजह से हुआ होगा, वेट ऑफ H2O प्लस वेट ऑफ CO2, इन दोनों का सर वेट आपका की वजह से वॉइस मास क्रैक लॉस। हो रहा हाँ सर, सभी के लिए वॉइस क्रैक हो रहा है क्या मेरा? हाँ सर, यस सर।
यार नेटवर्क एरर तो नहीं है, नेटवर्क तो ठीक आ रहा है, तुम्हें स्क्रीन पे भी दिख ही रहा होगा। हाँ सर अभी आ रहा है क्लियर। ठीक है बीच बीच में खराब। अब देखो मास लॉस पूछा है तो वो H2O का वेट और CO2 के वेट का सम होगा, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही मास में लॉस हुआ होगा, क्योंकि ये दोनों ही गैस की फॉर्म में उड़ गए होंगे इसलिए। ठीक है समझ गए। यस सर। अब देखो हमारे पास मोल्स ऑफ NaHCO3 निकाल लो, कैसे? ग्राम में वेट 2 - x था डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट। NaHCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? ठीक है। अब देखो इसके दो मोल से H2O का एक मोल बनता है, तो एक से हाफ बनेगा, तो ऐसे ही मोल्स ऑफ H2O कितना आएगा? हाफ ऑफ दिस। ऐसे ही मोल्स ऑफ CO2 कितना आएगा? हाफ ऑफ दिस। तो H2O के मोल से तो यहां से उसका वेट निकाल लो, CO2 के मोल से यहां से उसका वेट निकाल लो, दोनों के वेट का सम करो, इसके इक्वल रखो, x का वैल्यू आ जाएगा, उससे परसेंटेज निकाल लो। कर लोगे? अरे लास्ट वाला एक और बार बताइए ना प्लीज। अरे भाई इसका दो दो मोल से इसका एक मोल बनता है, इसका H2O का एक मोल बनता है, इसका भी एक मोल बनता है, तो इसका इतना मोल है तो उससे इनका हाफ हाफ मोल ही तो बनेगा। दो से एक मोल बनता है तो एक से हाफ बनेगा, तो इतने से कितना बनेगा? हाँ सर समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन है E4। E4 क्वेश्चन किससे हुआ ये बताओ पहले मुझे, कोई ऐसा है जिसने E4 क्वेश्चन किया हो? किसी से हुआ है E4 क्वेश्चन? ट्राई किया था? नहीं ट्राई किया नहीं, हुआ क्या किसी से कि हाँ मुझसे E4 हो गया, कोई ऐसा है? E4 क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, इसने क्या बोला है? अ सैंपल ऑफ चॉक कंटेन्स क्ले एज ए इम्प्योरिटी, है ना, एंड अ क्ले इम्प्योरिटी लूजेज 11% ऑफ इट्स वेट एज अ मॉइस्चर ऑन हीटिंग। तो हमारे पास क्या है, एक चॉक का सैंपल है ना, मान लीजिए ये चॉक है, ये क्या है सैंपल है, किसका? चॉक का। तो चॉक के सैंपल में, एक्चुअल में चॉक नहीं है, चॉक के सैंपल में एक तो प्योर चॉक है प्लस साथ में क्ले है ना, गीली मिट्टी बोल सकते हैं जिसको। अब उसको हमने हीट किया, तो हीट करने पर क्या हुआ, चॉक तो वैसा का वैसा ही रहा, साथ में जो वेट क्ले था जो गीली मिट्टी थी वो अब ड्राई क्ले में कन्वर्ट हो गया है ना, उसमें H2O वहां से निकल गया है। अब मान लो कि जो प्योर चॉक था उसका मास था x ग्राम, और उसमें जो वेटेड क्ले थी गीली मिट्टी थी उसका मास था y ग्राम। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि चॉक, इसको हीट किया तो चॉक का मास तो उतना ही रहा x का x, बट जो मेरी मिट्टी थी उसने 11% अपने मास का लूज कर दिया। तो देखो ये x ग्राम माना था, ये y ग्राम माना था, मिट्टी का मास पहले y था, y में से y का 11% मतलब 11y/100 कम करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इतना वाटर यहां से निकल गया, यहां से जो H2O निकला उसका मास कितना था 11y/100 ग्राम। इतनी बात समझ आती है? बोलो। हाँ सर। ठीक है, अब बोला है 5 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ चॉक, चॉक का मास कितना है 5 ग्राम, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 5 ग्राम है, चॉक सैंपल का मास 5 ग्राम। ठीक है, 5 ग्राम सैंपल चॉक ऑन हीटिंग शो लॉस इन वेट। इस पूरे चॉक सैंपल को अगर मैं हीट करता हूं तो हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचता है कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस ड्राई क्ले प्लस CO2 गैस फॉर्म में प्लस H2O गैस फॉर्म में। ऐसा बोला है क्वेश्चन में कि जब हम 5 ग्राम चॉक को हीट करते हैं शो लॉस इन वेट, ब्रैकेट में लिखा है ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ CO2 एंड वाटर, और हिंट में लिखा है चॉक इज कैल्शियम कार्बोनेट, द प्योर चॉक इज कैल्शियम कार्बोनेट रिलीजेस CO2 ऑन हीटिंग। तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो प्योर चॉक थी उसने हीट रिलीज कैल्शियम ऑक्साइड के साथ साथ CO2 रिलीज कर दिया, तो इसकी वजह से मास लॉस हुआ है टोटल, है ना, टोटल मास लॉस इसकी वजह से हुआ है। तो जो टोटल मास लॉस है वो कितना है, वेट ऑफ CO2 की वजह से प्लस वेट ऑफ H2O की वजह से।
जो वेट ऑफ H2O वो तो हम निकाल चुके, कितना है 11y/100 ग्राम, ठीक है, वो क्या है 11y/100 ग्राम। अब वेट ऑफ CO2 हमें निकालना है, ठीक है, और ये वेट किसके इक्वल दे रखा है, ये वेट दे रखा है 1.1 ग्राम के इक्वल। तो अब देखो ध्यान से समझो, हमारे पास प्योर चौक थी, जो प्योर चौक होती है वो प्योर चौक क्या होती है, कैल्शियम का कार्बोनेट, उसको हीट करते हैं तो कैल्शियम का ऑक्साइड प्लस CO2 मिलता है। प्योर चौक का मास ऊपर एक्स ग्राम माना था, तो मास कितना है एक्स ग्राम, मोल्स निकाल लोगे तो आएगा X/100 मोल्स। तो यहां पर देखो एक मोल CaCO3 से एक मोल CO2 मिला है, तो यहां से मोल्स ऑफ CO2 कितना आएगा, मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के इक्वल आएगा, और वो कितना आएगा X/100 मोल्स। अगर मास निकालना पड़े CO2 का तो कितना आएगा X/100 × उसका मॉलिकुलर मास 44, दैट इज 0.44 / ऐसा एक्स, है ना। पेपर ऐड कर लेता हूं, रुकिए। चलिए अब हमारे पास इतना आ गया, हमने क्या करा CO2 का मास भी निकाल लिया। अब मुझे पता है वेट ऑफ CO2 प्लस वेट ऑफ H2O किसके इक्वल था, 1.1 के इक्वल, ग्राम के इक्वल, मतलब 0.44 X/100 प्लस 0.44 नहीं 100 नहीं आएगा, हाँ 100 नहीं आएगा, तो ऐसा करते ऐसा लिख देते 0.44 X/100 प्लस 0.11 Y = 1.1। ऐसे करते इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 11 से डिवाइड कर देते हैं, तो आएगा 4X + Y प्लस कितना आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया 10, सही लिखा, हाँ 10। ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 इज दिस, इक्वेशन 1 क्या थी X + Y = 5, इक्वेशन 1 थी। तो यहां से X और Y का वैल्यू निकाल लो, X का वैल्यू कितना आएगा, हाँ 5/3 10/3 5/3 10/3 ऐसा आता है, रुको चेक करने दो, 20/3 और 10/3 30/3, ठीक है, यहां से आएगा 40/3 प्लस, ठीक है, हाँ सही आ रहा है ना। तो इतना इतना मास आ गया 5/3 ग्राम और 10/3 ग्राम। क्वेश्चन में क्या बोला है, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ चौक इन सैंपल, चौक कितनी थी, चौक थी 5/3 ग्राम प्योर चौक, टोटल सैंपल कितना था 5 ग्राम × 100, कितना आएगा 33.33%। समझे कैसे किया क्वेश्चन, हाँ सर। चलिए पार्ट टू पे चलते हैं, पार्ट टू निकाल लेंगे जल्दी से, एक्सरसाइज 1 part 2 section E बोलो इसमें। जल्दी से बोलो, 2, 4, 6, 7 2, 4, 6, 7 सात में से चार तो पूछ लिए हैं। चलिए E2 में क्या बोला है, तुम लोग है ना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाते हो, दिमाग लगाओ क्वेश्चन में थोड़ा। What weights of P4O6 and P4O10 will be produced by the combustion of this with this O2, है ना। तो क्या करो, रिएक्शन को अलग अलग लिखो या फिर चलो एक साथ ही लिख दो। P4 का रिएक्शन O2 से करवा रहा हूं तो P4O6 भी बन रहा है और P4O10 भी बन रहा है, ठीक है, बैलेंस मत करो क्योंकि हम तो POC कर रहे हैं, बिना बैलेंसिंग के ही कर देंगे। P4 कितना लिया है 31 ग्राम, मतलब मोल्स कितना होगा 1/4 मोल्स। O2 कितना लिया है, O2 देखो भैया 32 ग्राम, मतलब 1 मोल। इसका A मोल मान लो, इसका B मोल मान लो, POAC लगाओ भाई, POAC ऑन फॉस्फोरस एटम, नंबर ऑफ एटम 4, इसके मोल 1/4 इज इक्वल टू, O2 में तो फॉस्फोरस है नहीं, 4A + 4B, इक्वेशन 1, या फिर और अच्छे से लिखें तो 4A + 4B इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 1 है। POAC लगाओ ऑन ऑक्सीजन एटम, क्या होगी इक्वेशन, इक्वेशन बोलो सर, 2 = 6A + 10B, 6A + 10B
मतलब इसको और सॉल्व करके लिख सकते हैं 3a plus 5b is equal to 1, ये इक्वेशन 2 हो गया, 1 और 2 है, दो इक्वेशन दो अननोन, ए और बी का वैल्यू निकाल लो, मोल्स मास जो चाहिए सब आ जाएगा, समझ गए? हाँ सर। E4 बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि वो डाउट पूछा जाए, थोड़ा दिमाग लगाते हो जाता। E4 में क्या बोला है, NX is produced by the following reaction, ठीक है, रिएक्शन क्या है, MX2 से रिएक्शन करता है, MX2 मिलता है, ठीक है, फिर 3MX2 X2 से रिएक्शन करता है, M3X8 मिलता है, रिएक्शन बैलेंस्ड है, देखो सारी, M3X8 रिएक्शन करता है N2CO3 से, हमें NX मिलता है, हमें CO2 मिलता है, हमें M3O4 मिलता है, ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? नहीं है, ये लास्ट वाली बैलेंस नहीं है, पहले वाली दो बैलेंस है ना, ये बैलेंस है, ये वाली भी बैलेंस्ड है ना, लास्ट वाली बैलेंस नहीं है। बोला क्या, हाउ मच मेटल इज कंज्यूम टू प्रोड्यूस 206 ग्राम ऑफ NX, ठीक है। अब देखो हमारे को ये, देखो हमारा फोकस देखो कहां होना चाहिए, NX कितना प्रोड्यूस करना है, 206 ग्राम, तो NX कितना प्रोड्यूस करना है, 206 ग्राम, तो उसका मोल कितना होगा, मोल बताओ, 206 ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 103, मॉलिक्यूलर मास 103 रहेगा, समझ में आया कैसे आया? यस सर। नाइट्रोजन नहीं है, ये N है, पता नहीं क्या है ये, इनको नाइट्रोजन ही मान लो, नाइट्रोजन है नहीं, नाइट्रोजन नहीं है, तो 23 कुछ तो लिखा हुआ है, N 23 था, X 80 था, पता नहीं X भी कौन है, दोनों का सम किया तो ये आया। अब देखो क्या हो रहा है रिएक्शन में, देखो यहां से जितना X था वो पूरा का पूरा X यहीं आया है, बोलो? यस सर। और कहीं तो नहीं गया ना, तो मैं POAC लगाता हूं, POAC on X, तो क्या लिख सकता हूं, 8 into moles of M3X8 is equal to 1 into moles of NX, ऐसा लिख सकता हूं? Yes, sir. तो यहां से मिल गया moles of M3X8 is equal to 1 into 2 by 8, that is 1 by 4, अब देखो क्वेश्चन हो गया हमारा, 1 by 4 मोल ये है, तो ये 1 by 4 ऊपर चले गए, इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो 1/4 बनाने के लिए कितना चाहिए होगा इसका, 12 बताओ, 12, 3 से बन रहा है 1, तो 1/4 के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड कर दो, 3/4 चाहिए होगा ना? हाँ सर। इसका 3/4 मोल्स चाहिए, अब ऊपर चले जाओ, इसका 3/4 मोल्स, इसका 3/4 मोल्स के लिए मेटल भी कितना चाहिए होगा, 3/4 मोल्स, समझे? अब मेटल का मास पूछा है, मेटल का मास कितना होगा, मास ऑफ मेटल मोल 3/4 इंटू मास 46, दैट इज 42 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 56 है ना, तो 42 ग्राम आएगा आंसर, बोलो? समझा सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम इज E6 देन E7। E6 थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मान सकते हैं E6 डाउट होगा। E6 में देखो ध्यान से समझो, एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन में कभी हमको बताएगा नहीं कि हमें POAC लगाना है, हमें खुद ही सोचना पड़ेगा कि भैया मेरे को POAC लगाना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज टफ है, बट क्वेश्चन में अगर थोड़ा भी तुमने दिमाग लगाया तो क्वेश्चन हो जाएगा। कोई है जिसने E6 क्वेश्चन किया हो, जिससे E6 हो गया हो, बताओ, कोई है क्या? किसी से नहीं हुआ? विष्णु होमवर्क करके लाया तू? ठीक है, चलिए E6 में देखो क्या बोला है, इन ग्रेविमेट्रिक डिटरमिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डाइसोडियम फॉस्फेट is treated with mixture of ammonium and magnesium ion. मतलब इसने बोला है कि डाई, ये है डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट है, जो कि अमोनियम आयन जिसको NH4+ बोलते हैं, और मैग्नीशियम आयन मतलब Mg2+, है ना, के साथ ट्रीट किया,
टू प्रेसिपिटेट क्या बोला आज, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट। तो इसको ट्रीट किया तो हमारे को क्या मिला, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट ऐसा कुछ मिला है ना। फिर बोला है दिस इज हीटेड एंड डीकम्पोज टू, इसको हीट किया एंड डीकम्पोज टू मैग्नीशियम पाइरोफॉस्फेट मतलब MgP2O7 ऐसा बोला है। विच इज वेटेड, ओके अ सॉल्यूशन ऑफ दिस यील्डेड दिस ग्राम ऑफ दिस, इसका दिया है 0.54 ग्राम ऐसा। तो बोला है ये कितना चाहिए होगा, मतलब ये कौन, इसके आगे आयन बना दो इसका, इस पर Na+ भी लगा सकते हो आगे, तो NaH2PO4 कितना चाहिए होगा। तो देखो यहां से ये सीरीज ऑफ रिएक्शन हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं फास्फोरस एटम को कंजर्व करो, POAC हम लोग फास्फोरस पर लगा सकते हैं, POAC ऑन फास्फोरस एटम, सब कुछ कंजर्व है फास्फोरस। देखो पहले इसमें था, इस फास्फोरस इसमें आया, फिर फास्फोरस इसमें आया, फास्फोरस ही दिख रहा है हमें हर जगह। तो हम लोग क्या बोलेंगे 1 × mol ऑफ NaH2PO4 इज इक्वल टू 2 × mol ऑफ MgP2O7। सर आपको कैसे पता चल रहा है कि फास्फोरस पे ही करना है? तो तू बता किस पे करेंगे, बता। सब पे करना होता है ना? नहीं सब पे क्यों, अभी जब तेरा एक पे करने से काम हो जा रहा है तो सब पे क्यों करना है, एक पे करने से काम हो जा रहा है ना तेरा, फास्फोरस पे करने से काम हो जा रहा है तो बस उसी पे कर देंगे, और किस पे करेगा, ऑक्सीजन पे कर नहीं सकते, हमें पता है कि हीट किया तो ऑक्सीजन तो H2 के फॉर्म में भी चला गया होगा कहीं ना कहीं, समझ रहे? ओके सर समझा। तो इसलिए अब कर लेगा क्वेश्चन? हाँ सर बोल। ठीक है E7 में भी डाउट था, E7 में देखो क्या बोला है, 10 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ मिक्सचर ऑफ दिस, हमारे पास CaCl2 और NaCl का मिक्सचर है, स्ट्रीटेड टू प्रेसिपिटेट ऑल कैल्शियम एज CaCO3, किसी से ट्रीट किया कैल्शियम पूरा CaCO3 के फॉर्म में आ गया, फिर उसको हीट किया तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो गया, एंड फाइनल मास ऑफ दिस इज 1.62 ग्राम। तो देखो मान लो टोटल ये पूरा सैंपल 10 ग्राम का, तो सपोज करो ये x ग्राम था तो ये कितना होगा 10 - x ग्राम, ठीक है। तो पूछा है कि इसमें CaCl2 कितना था ओरिजिनल मिक्सचर में बाय मास, सबसे पहले इस CaO का मोल पता लगाओ, 1.62 डिवाइडेड बाय इसका मास कितना होता है, मोल्स आएगा देखो इसका 0.029 मान लो है ना, इतना मोल है। कैल्शियम एटम मेरा कंजर्व है, कैल्शियम पर POAC लगाता हूं, मतलब 1 × mol ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू 1 × mol ऑफ CaO, POAC मैंने कैल्शियम पर लगाई है सीधा, तो मोल्स ऑफ CaCl2 कितना आ गया 0.029 मोल्स, ठीक है CaCl2 का मोल आ गया, मास पता लगाओ CaCl2 का, वेट ऑफ CaCl2 कैसे निकालेंगे, मोल इंटू मॉलिक्यूलर मास वो कितना होगा 40 + 71 मतलब 111 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 0.029 से, तो यहां से आएगा अप्रॉक्स 3.219 ग्राम। तो 10 ग्राम में से 3.219 ग्राम ये है, तो परसेंटेज ऑफ CaCl2 कितना आएगा 3.219 10 ग्राम में से इंटू 100 तो आएगा 32.19%, समझे? यस सर। हाँ कौन सी चीज कन्वर्ज्ड सर, क्या कन्वर्ज्ड है कैसे पता चलता है? ये हमें थोड़ा सा सामान्य विवेक का इस्तेमाल करना है, बोले तो कॉमन सेंस। अब तुम थोड़ा भी दिमाग लगाओ, कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम कार्बोनेट बना, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, क्या चीज ऐसी दिख रही है जो बार बार दिख रही है तुम्हारी आंखों के सामने, कैल्शियम ही तो है, यहाँ पर कैल्शियम यहाँ पर कैल्शियम यहाँ पर कैल्शियम, तो ऑब्वियसली कैल्शियम को ही कंजर्व करूंगा मैं, थोड़ी बोलूंगा ऑक्सीजन कंजर्व है कार्बन कंजर्व है या फिर क्लोरीन कंजर्व है। POAC ऑन कैल्शियम एटम, समझ रहे हो? तो इतना तुम्हें खुद से ही सोचना पड़ेगा कि क्या कंजर्व करना है, वो तुमको खुद को इतना दिमाग में तुम्हारे चमकना चाहिए, दिमाग में तुम्हारे आइडिया आना चाहिए कि मैं किसको कंजर्व करूं। बोलो
हाँ सर समझा। चलिए अब हम लोगों ने एक्सरसाइज टू पार्ट वन भी दिया था वो करके लाए हो। अब पुरानी हुआ करके लाए हो या नहीं लाए? फाइव तक किया। कितने लोग हैं हैंड रेस करो जो एक्सरसाइज टू पार्ट वन 1 to 10 क्वेश्चन करके लाए हैंड रेस करो। एक दो एक दो तीन चार पांच ठीक है। बहुत सारे लोग करके लाए हैं ठीक है फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। पूछो डाउट्स क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में डाउट पूछो जल्दी जल्दी। फोर फाइव सिक्स। फोर फाइव सिक्स और नाइन। फोर फाइव सिक्स नाइन ठीक है। और कोई डाउट है? एट्थ और चलिए फोर फाइव सिक्स एट नाइन ठीक है। पांच क्वेश्चन डाउट पूछ लिए चार में थे 10 में से। इजी क्वेश्चन है फोर थोड़ा सा सेंस लगाना है बस। आर्ली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एन एस्ट्रोनॉट कैन बी सेटिस्फाइड बाय द एनर्जी रिलीज व्हेन 34 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आर बर्न इन हिज बॉडी ठीक है। हाउ मेनी ऑक्सीजन वुड बी नीडेड टू बी कैरिड आउट ठीक है फॉर डेली रिक्वायरमेंट। अब देखो बर्निंग किसका हो रहा है C12H22O11 का बर्निंग हो रहा है। बर्निंग का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन। और कभी भी किसी भी कंपाउंड का बर्निंग होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है तो क्या मिलता है एज ए प्रोडक्ट? बोलो CO2 and H2O। अब रिएक्शन को बैलेंस करना है 12 CO2 लगा दो हाइड्रोजन 12 22 है तो इधर 11 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन कितने हो गए 24 plus 11 ऑलरेडी उधर है तो शायद ये होगा बैलेंस से क्या देखना है एक बार बोलो। Yes, sir. अब देखो सुक्रोज कितना था ये था 34 ग्राम इसके मोल्स कितने आएंगे 34/342 मतलब अप्रोक्स 0.1 अप्रोक्स 0.1 ना ना हाँ सर अप्रोक्स 0.1 मोल्स ठीक है। तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ना तो हम बोलते हैं हार्ली रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन कितनी होगी 1.2 मोल्स 0.1 मोल के लिए 1 के लिए 12 मोल चाहिए तो 0.1 मोल के लिए कितना चाहिए 1.2 मोल बोलो। एक बार सॉल्व करके दिखाना। अरे भाई 1 मोल ग्लूकोज के लिए 12 मोल ऑक्सीजन चाहिए तो 0.1 मोल ग्लूकोज के लिए 1.2 मोल ऑक्सीजन चाहिए होगा। हाँ सर समझा। दिमाग खुले रखो अपने। अब डेली रिक्वायरमेंट कितना होगा डेली रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस सर। मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड मास कितना होगा 24 × 1.2 × 32 ग्राम इसको सॉल्व कर लेना आंसर आज समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 यस सर। 5th में क्या बोला है 5th इज 10 ग्राम ऑफ एजी रिएक्ट विद 1 ग्राम ऑफ सल्फर। अरे यार किसने पूछा ये क्वेश्चन सर मैंने। द अमाउंट ऑफ ए जी टू एस फॉर्म्ड। अब तेरे को मान ले तेरे को रिएक्शन नहीं पता कुछ भी नहीं पता POAC लगा दे POAC ऑन AG एंड तुझे पता नहीं सल्फर क्या होता है छोड़ उसको गोली मार ऐसा POAC ऑन सल्फर लगा AG लगा दे 1 × mole of AG = 2 × moles of AG2S। मोल ऑफ AG तुझे पता है? हाँ पता है 10/AG का मॉलिकुलर मास कितना होता है 108 108 2 × mole of AG2S अभी कर लेगा यहां से
हाँ सर, सर मैं उसे बैलेंस करके कर रहा था इसलिए नहीं हो रहा। बैलेंस इतना हमने इतने सारी चीजें पढ़ी क्यों है, पीयूएसी वगैरह क्यों पढ़ा है? बैलेंस करने के लिए पढ़ा है क्या? तुम्हारे पास हथियार है, तुम चलाते ही नहीं हो। तुम बोलो नहीं मैं तो तलवार से ही मारूंगा, तुम्हारे पास मैंने सर एक पता ऊपर नहीं क्या वाले क्या क्वेश्चन देखा में है। भी तो फिर हम लोग पीओएसी से कर सकते थे ना। कौन सा क्वेश्चन? ये वाला? हाँ सर, हाँ कर ले, पीओएसी से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। मैंने यहाँ पर पीओएसी इसलिए नहीं लगाई, कुछ मुझे सल्फर पता नहीं है ना किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सल्फर H2 में है, सल्फर H8 में है, सल्फर H6 में, किस में है सल्फर? पता है तेरे को? नहीं पता, इसलिए मैंने पीओएसी लगाया। क्वेश्चन सिक्स, सिक्स वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। सिक्स में देखो क्या करना है। सिक्स में क्या बोला है? अ पीस ऑफ आयरन गेन 10% ऑफ इट्स वेट ड्यू टू द पार्शियल रस्टिंग इनटू Fe2O3। Fe है जो पार्शियल रस्टिंग होता है उसका, पार्शियल रस्टिंग होता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Fe2O3 में। फिर बोला है द परसेंटेज ऑफ टोटल आयरन दैट हैज रस्टेड, ये हमसे पूछा है ना? बोलो। हाँ सर, चलिए अब देखो इसमें क्या करना है। थोड़ा सा सोचने तो मेरे को। आयरन है ना, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे। अच्छा इसमें कुछ ऐसा भी तो बोला है, कुछ वेट गेन कर रहा है ना, कि रस्टिंग के बाद उसने बोला है 10% ऑफ इट्स वेट गेन कर लेता है ना। सपोज करो रिएक्शन को मैं बैलेंस कर देता हूं, बैलेंस करके क्या लिखूंगा? 2Fe+3/2O2। ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, मॉइस्चर से रिएक्शन करेगा, इधर इसने क्या बना दी है? रस्ट है ना। मान लो सपोज करो इसके एक्स मोल से, ठीक है, और जो मेरा ये बना ना रस्ट, इसके वाई मोल है, ठीक है। अब देखो एक यस स्टेप में सर। लिखूंगा, एक स्टेप में लिखूंगा, मान लिया मैंने स्टार्टिंग में एक्स मोल आयरन था और जो रस्ट बना उसके वाई मोल बने, तो एक्स में से कितना मोल रिएक्ट किया होगा कि इसके वाई मोल बने होंगे, ये बताओ मुझे। देखो इसका 2 मोल रिएक्ट करता है आयरन का, तो अब इसका 1 मोल बनता है, तो इसका वाई मोल बनाने के लिए आयरन कितना रिएक्ट किया होगा? 2x 2y, एक्स नहीं, टू वाई वाई मोल बनाए ना, तो हम बोलते हैं x-2y मोल्स क्या है? लेफ्ट है। इतना आयरन हमारे पास बचा है ना, ये प्योर आयरन है, ये क्या है? प्योर आयरन, जिस पर हमारे पास अभी कोई रस्टिंग वगैरह नहीं हुई है। इतनी बात समझ आती है? बोलो। एक और बार बताना। देखो दो 2Fe है, उससे Fe2O3 बनता है, तो 2 मोल Fe का रिएक्ट करके 1 मोल Fe2O3 बनाते हैं, इतना पता है? यस सर। बोलो। अब मैंने पहले ही मान लिया था कि मेरा वाई मोल बना है Fe2O3 का, वाई मोल बना है, तो कितना मोल एक्स में से रिएक्ट किया होगा? 2y मोल रिएक्ट किया होगा, तभी तो इसका वाई मोल बनेगा। इसका 2y मोल रिएक्ट करेगा तभी तो इसका वाई मोल बनेगा। 2 से 1 मोल बनता है, तो वाई बनाने के लिए 2y मोल रिएक्ट करवाना पड़ेगा। हाँ सर। तो टोटल एक्स मोल था, 2y रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना? x-2y। यस सर, समझा। अब हमें निकालना क्या है? जो चीज निकालनी वो मैं तुम्हें लिख देता हूं। पहले हमें निकालना है कि टोटल आयरन कितना रस्ट हुआ, आयरन के मोल्स कितने रस्ट हुए। मोल ऑफ आयरन बताओ, Fe2O3 में आयरन के कितने मोल है ये बताओ। Fe2O3 में आयरन के कितने मोल है? 2y मोल्स 2y मोल, और आयरन था कितना? वाई मोल इंटू 100%। ये चीज हमें निकालनी है, आयरन कितना रस्ट हुआ। टोटल था एक्स, 2y रस्ट हो गया, तो कितना परसेंट रस्ट हुआ? 2y/x/100। ये चीज मुझे निकालनी है। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो, है ना? हाँ
अब हमारे पास टोटल मास कितना है, ये देखो मास मेरे पास है कितना, आयरन था उसमें रस्ट लग गया सब कुछ हो गया, मास बचा कितना है, मास हमारे पास है x माइनस टू वाई मोल, उसका मॉलिकुलर मास 56 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस Fe2O3 का y मोल बना है उसका मॉलिकुलर मास Fe2O3 का 160 होता है, इतना ये हमारे पास टोटल मास है, x माइनस टू वाई इंटू 56 प्लस 160y, क्या ये मेरा टोटल मास है, बोलो 160y कहां से आया, Fe2O3 का Fe2O3 का मॉलिकुलर मास 160 होता है okay, और उसके मोल y है, इसलिए ये मेरा पार्शियली रस्टेड आयरन है ना, टोटल मास ऑफ पार्शियली रस्टेड आयरन। अच्छा इसने बोला है कि मेरा जो आयरन जो प्योर था ना उसने रस्टिंग के बाद मास को 10% गेन किया है, तो उसकी टर्म्स में मास निकालता हूं, अगेन मैं टोटल मास क्या बोलता हूं, इनिशियली टोटल मास कितना था जब मेरा आयरन प्योर था, मतलब एक आयरन का ब्लॉक है जो थोड़ा बहुत उस पर रस्टिंग लगा है बाकी नहीं लगा, बाकी वैसा है जैसा ही है, तो पार्शियली रस्टेड आयरन। Fe2O3 मतलब क्या होता है, Fe2O3 मेरा रस्ट होता है, रस्ट होता है ना आयरन के ऊपर, वो रस्ट होता है Fe2O3। मेरी बात समझो, चलो इसको मैंने गलत लिख दिया, तुमने ज्यादा दिमाग लगाया, मैंने छोड़ो इसको, पार्शियली रस्टेड आयरन भूल जाओ, ठीक है, ये टोटल मास जो था वो समझ आया, बोलो बोलो यार, ये जो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है टोटल मास का, ये समझ आ रहा है क्या सर, एक बार बता दो भाई, इतना मोल्स मेरा आयरन बचा था और इतना मोल ये बन गया था, तो इन दोनों का मास लिखा है बस, मोल इनटू इसका मॉलिक्यूलर मास 56 था उससे मल्टीप्लाई करा, और वाई था इसका मॉलिक्यूलर मास 160 था उससे मल्टीप्लाई किया बस, और कुछ नहीं किया। हाँ सर समझा। अब क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि रस्टिंग होने के बाद आयरन का जो पीस होता है ना वो मास का 10% गेन कर लेता है, ऐसा लिखा है, बोलो। हाँ सर। आयरन का स्टार्टिंग में प्योर आयरन का जब मेरा रॉड था उसका मास कितना था, 56x, बोलो बोलो बोलो, यही था। हाँ सर। प्लस 10% गेन किया तो इसका 10% 5.6x, तो टोटल मास अब इतना हो गया ना, 56x प्लस 10% गेन किया तो उसका 10% भी लिखेंगे, बताओ। हाँ सर। और एक्चुअल में हम लोग अगर लिखे ना तो ये दोनों चीजें इक्वली तो है, टोटल मास चाहे पार्शियली रस्टेड आयरन लिखो जैसा हमने खुद से बना के लिखी थी इक्वेशन और जो क्वेश्चन में लिखा था, दोनों को इक्वेट कर दिया, इसको इक्वेट करके सॉल्व करते हैं, तो देखो कितना आता है, 156x प्लस यहाँ पर लिख देंगे हो जाएगा 48y इज इक्वल टू 56x प्लस 5.6x, 56x से 56x कैंसिल, तो यहाँ से y by x आता है 56, 5.6 अपॉन 48, हमें निकालना है 2y by x into 100, तो आएगा 2 into 5.6 अपॉन 48 into 100, सॉल्व करना अप्रॉक्स 23% आएगा, क्लियर है? यस सर। देखो इन दोनों को इक्वेट करने के बाद मैथमेटिक्स लगाइए और कुछ नहीं है, मैथमेटिक्स को नहीं समझा सकता मैं। हाँ बोलो। इस पे पीओएसी लग सकता है? पीओएसी लगा दे, पीओएसी लगाएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत धुआंधार क्वेश्चन है वो, उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से तुम्हें समझ नहीं आएगा करना क्या है, निकालोगे क्या, कैसे निकालोगे बताओ, क्या कर लोगे पीओएसी लगा के, क्वेश्चन को हम लोग उसी डायरेक्शन में सॉल्व करें ना जहां से हम क्वेश्चन को अचीव कर सके आंसर को, ठीक है, तो ऐसे होगा, ठीक है। इसके बाद देखो कौन सा डाउट था तुम्हारा, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 और 9, ठीक है, 8th वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है 8th वाला, 8th में देखो क्या बोला है, व्हेन एक्स ग्राम ऑफ कार्बन इज हीटेड विद वाई ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन अ क्लोज वेसल, क्लोज वेसल में गर्म कर रहे हैं, कार्बन का क्या है वाई ग्राम है और ऑक्सीजन का कितना है एक्स ग्राम है, ठीक है, नो सॉलिड रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड, ये तो गैस होता है और कार्बन सॉलिड होता है, इसने बोला है नो सॉलिड रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड, इसका मतलब है कि कोई भी एलआर नहीं है, सब रिएक्शन कर लिए, मतलब कार्बन सॉलिड नहीं बचा है। अच्छा
नो सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड का मतलब है कार्बन एलआर नहीं है, ऑक्सीजन एलआर चाहे तो हो सकता है, ठीक है, कार्बन को नहीं बचाना कभी भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो देखो इससे क्या क्या बन सकता है, इससे सीओ भी बन सकता है चाहे तो, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करें तो चाहे तो सीओ टू भी बना सकते हैं, ये दोनों ही चीजें पॉसिबल है। चलो पहली वाली चीज से करते हैं, कभी भी इसने बोला है नो सॉलिड रेजिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड, मतलब कार्बन मेरा कभी भी एलआर नहीं हो सकता। अब पहली रिएक्शन को लिखूं तो पहली रिएक्शन ऐसे लिखूंगा 2C this plus O2 gas gives 2CO, ये कितना है, ये y ग्राम है, ये कितना है, ये x ग्राम है। तो देखो इसके मोल्स कितने आएंगे, y by 12, इसके मोल्स कितने आएंगे, x by 32। इतनी बात समझ आती है, बोलो। यस सर। अगर हम कंडीशन लगाए फॉर नो सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, तो कार्बन कभी भी एलआर नहीं होना चाहिए, मतलब y by 12 by 2 और x by 32 by 1 में से या तो कार्बन वाला हिस्सा बड़ा ही होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, कार्बन कभी इससे छोटा नहीं होगा, कार्बन इस नंबर से छोटा हो गया तो कार्बन एलआर हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये इक्वेशन समझ आई जो मैंने बनाया, ये इनइक्वालिटी का साइन समझ आया जो मैंने लगाया? हाँ सर। तो y by 24 is greater than equal to x by 32, तो क्वेश्चन जो हमारा है वो x y by x की टर्म में दिया है, तो यहां से देखो y by x is greater than equal to 24 by 32, मतलब 24 क्या होता है, क्या लिखेंगे इसको, 24 को क्या लिख सकते हैं, थ्री बाय फोर, ठीक है, 3/4 से ज्यादा होना चाहिए, एक कंडीशन तो यही। ये तो मैंने CO बनाया तब है, अब CO2 बनाता हूं, CO2 क्या बनेगा, C plus O2 से बन जाएगा CO2, सिंपल, ये सॉलिड है, ये गैस है और ऑब्वियसली ये भी गैस बनेगा। ये कितना था, ये y ग्राम था, ये x ग्राम था, इसके मूल कितने थे y by 12, इसके मूल कितने थे x by 32, तो ऑब्वियसली y by 12 डिवाइडेड बाय 1, x by 32 डिवाइडेड बाय 1 में ये बड़ा है, इक्वल होना चाहिए, y by 12 is greater than equal to x by 32. Now from this y by x क्या आएगा, y by x this should be greater than equal to 12 by 32. 3/16 क्या आएगा यार, हमने वेट तो सही लिया ना, अरे भाई हमने उल्टा कर लिया सारा काम, क्वेश्चन में y ऑक्सीजन के लिए बोला था और x कार्बन के लिए बोला था, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, हमने उल्टा कर लिया है, ऐसा ही था क्वेश्चन में, x कार्बन के लिए था y ऑक्सीजन के लिए था, x कार्बन के लिए था y ऑक्सीजन के लिए था, x कार्बन के लिए था y ऑक्सीजन के लिए था, x कार्बन के लिए था y ऑक्सीजन के लिए था, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से हम लोग वापस लिखते हैं, तो यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा y by x is equal to 32/24, मतलब y by x छोटा होगा किससे, 32 मतलब 4/3 से छोटा होना चाहिए। अगेन यहां पर भी देखो, तुमने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया, सब उल्टा पुल्टा हो गया। चलिए अगेन मैं लिखता हूं, क्या कार्बन क्या है, कार्बन x से ऑक्सीजन y 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 है, तो अगेन y by x is less than equal to क्या आएगा, 32/12, मतलब y by x is less than equal to 8/3, ऐसा ही आएगा 8/3। यस सर। y by x छोटा होना चाहिए 8/3 का मतलब 2.67, और ये बोल रहा है y by x छोटा होना चाहिए किससे, 1.33। तो देखो दोनों का कॉमन आंसर लेना है कि y by x 2.67 से छोटा होना चाहिए, एक बोल रहा है ये इससे छोटा होना चाहिए, एक बोल रहा है
1.33 से छोटा होना चाहिए, तो दोनों का कॉमन आंसर क्या आएगा? 1.33 से छोटा, इक्वल छोटा, बट आंसर तो उल्टा दिया है ना? क्या है भाई, कुछ गलत तो नहीं कर रहा? कार्बन एलआर क्यों नहीं हो सकता? क्वेश्चन में बोला है ना, नो सॉलिड रेजिड्यूज लेफ्ट बिहाइंड। अरे यार, हे भगवान, कहाँ दिमाग चल रहा है? कार्बन एलआर होना चाहिए क्योंकि नो सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड बोला है ना, तो कार्बन एलआर होगा तभी तो पूरा खत्म होगा। बोलो। यस सर। तो नो रेजिड्यू लेफ्ट मतलब एलआर नहीं होना चाहिए ना? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन समझे नहीं तुम। क्वेश्चन इज कि नो सॉलिड रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड, सॉलिड रेजिड्यू बचना नहीं चाहिए, मतलब कार्बन नहीं बचना चाहिए, तो कार्बन एलआर होना चाहिए। कार्बन कभी कभी तो नहीं बचेगा जब कार्बन एलआर होगा, एलआर नहीं हुआ तो एक्सिस में हुआ तो बच जाएगा। हाँ सर, समझा। तो साइन पहले उल्टे लगा दिए थे, अब ऐसा आ गया। मतलब अब देखो अगेन, क्वेश्चन में ज्यादा ही वो हो गया हमारे साथ। एक आंसर बोलता है 1.33 से बड़ा होना चाहिए, एक बोलता है 2.67 से बड़ा होना चाहिए, तो कॉमन आंसर क्या है? 1.33 से बड़ा होना चाहिए, तो उसको हम लोग आंसर बोल देंगे। ठीक है, और कौन सा क्वेश्चन था? मतलब आंसर 2.67 से बड़ा होना चाहिए ना? नहीं, 1.33, 2.67 से बड़ा होगा तो वो CO वाली रिएक्शन में LR बन जाएगा ना। तो 1.33 दोनों में कॉमन चाहिए ना? मैथ्स मैथ्स मत लगाओ, हमको बोला है कि तू बोल रहा है 2.67 से बड़ा होना चाहिए, ऐसा ना? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ 1.33 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर अरे यार, एक और मिस्टेक कर दी, क्या कर रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन में क्या बोला है, ये क्वेश्चन बड़ा भयानक है ना? C+O2 से बन रहा है क्या? CO। अब देखो, हमें क्वेश्चन में एक चीज और बोली है, हीटेड इन अ क्लोज्ड वेसल। क्लोज्ड वेसल का मतलब क्या है? क्लोज्ड वेसल का मतलब क्या है कि जो भी गैस है वो अंदर ही, बाहर नहीं जा रही। तो अगर कहीं से गलती से अगर CO2 गैस बन गई ना, तो कार्बन के साथ वापस रिएक्शन करके CO गैस बना देगी। ये रिएक्शन होता है, पढ़ोगे वापस से केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं, कि CO2 गैस कार्बन से वापस रिएक्ट करके CO गैस बना देती है। ठीक है, तो हम वही कंडीशन लेंगे जो CO वाली। क्यों? क्योंकि हमेशा CO गैस ही बन रही है, इसलिए। तो आंसर मेरा 4th होगा। और कौन सा क्वेश्चन है? 9 में क्या बोला है? When a 12 ग्राम मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड सल्फर इज बर्न इन एयर। ठीक है, सल्फर भी है कार्बन भी, 12 ग्राम मिक्सचर है। द मिक्सचर इज प्रोड्यूस CO2 प्लस SO2 एयर में, मतलब ऑक्सीजन के साथ। इन विच द नंबर ऑफ मोल्स, क्या लिखा है? मोल्स ऑफ CO2 इज हाफ दैट ऑफ CO2 देन मिक्सचर। अरे यार, सिंपल है, देखो इसमें क्या है। मान लो ये है कार्बन, कितना है कार्बन? मान लो x ग्राम है, तो ये कितना होगा? 12 माइनस x ग्राम, तो इसके मोल्स कितने आएंगे बोलो? x/12। इसके मोल्स कितने आएंगे? 12 माइनस x बाय 32। तो CO2 के मोल्स कितने बनेंगे? उतने ही बनेंगे जितने कार्बन के, मतलब x/12। SO2 के मोल्स कितने बनेंगे? उतने ही बनेंगे जितने सल्फर के हैं, मतलब 12 माइनस x बाय 32। इसके x by 12 moles, इसके 12 minus x by 32 moles, ठीक है? अब बोला है क्या? अरे ये आपने कैसे किया? अरे भाई, कार्बन पूरा CO2 में जा रहा है, सल्फर पूरा SO2 में जा रहा है, तो और कैसे करना है? ऐसे ही करेंगे। CO2 के मोल्स कार्बन के मोल्स के इक्वल होंगे, SO2 के मोल्स सल्फर के मोल के इक्वल होंगे। चलिए, उसमें बोला है आगे,
In which the moles of SO2 is half that of CO2. CO2 के moles का half SO2 के equal है. CO2 के moles का आधा SO2 के moles के equal है. इसको solve करके x का value निकाल लो, answer आ जाएगा. ठीक है? Yes sir. Sir एक doubt था कि जो second one है ना, उसमें answer none होना चाहिए क्या? Second one में none. चलिए. None क्यों होना चाहिए पहले तो ये बताओ, क्योंकि मेरा आंसर अलग आया तो मेरा गलत है फिर तुम्हारा आंसर 1.4 H 66.6 और O एम्पिरिकल फार्मूला पूछा है हमसे. हाँ सर. हाँ तो गलत आया फिर तुम्हारा, क्योंकि मुझे इससे पहले तो कभी किसी बच्चे ने बोला नहीं यार कि ये फॉर्मूला ये आंसर गलत है, सभी ने किसी ने कुछ बोला नहीं, मतलब सही ही होगा. वापस ट्राई करना हो जाएगा. एक बार बता दो ना तूने क्या किया. सर मैंने पहले C का मोल्स निकाला, प्रेच का मोल्स निकाला, फिर उनके परसेंटेज निकाले. ऑक्सीजन के बारे में क्या किया तुमने? ऑक्सीजन के मोल नहीं निकाले किया, उसका 66.66% आया. देख 64 ग्राम टोटल दे रखा है, 24 ग्राम कार्बन है, 8 ग्राम हाइड्रोजन है और रेस्ट इज ऑक्सीजन. रेस्ट मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन. ठीक है तो इनके मोल निकाल ले. इसके मोल 2 आएंगे, इसके मोल 8 आएंगे, इसके मोल 2 आएंगे. ठीक है. हां सर. मोल आ गए, मोल का परसेंटेज निकाल ले. परसेंटेज मोल परसेंट कैसे निकालेगा, 2/12, 8/12 और 2/12. ठीक है मोल परसेंटेज आ गए, फिर रिलेटिव मोल्स निकाल ले, आ जाएगा. तो वैसे ही किया तो 2/12 का आया 16.66, फिर मोल रेशियो में निकाल देता हूँ. मोल रेशियो सुन ले, मोल रेशियो में निकाल देता हूँ. ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन. मोल रेशियो आएगा 1:6, ये आएगा 2:3, ये आएगा 1:6, है ना. तो अगर हम लोग उसमें देखें इंटीजर में मोल रेशियो क्या आएगा, 1:, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4:1. मोल परसेंटेज निकाल ले, मोल का रेशियो निकाल ले, एक ही बात है. वो परसेंटेज लिख दे, मोल का रेशियो लिख ले. अच्छा यही आएगा मोल का रेशियो. तो देख CH4O आ तो गया, पर क्या पता तो मैंने उसका फिर परसेंटेज निकाल के उसके मास से डिवाइड करके. अरे भाई इतना परसेंटेज निकाल के मास से डिवाइड किया क्यों? अरे उसका वही तो है ना प्रोसीजर. प्रोसीजर ये ऐसा प्रोसीजर मैंने नहीं बताया भाई, ये प्रोसीजर मेरा नहीं है. मोल निकालने के बाद मास से डिवाइड करना, ऐसा कोई प्रोसीजर मैंने नहीं सिखाया. मैंने मोल परसेंटेज निकालने के बाद वैसे ही करना होता है ना, उसके मोलर मास से डिवाइड करना है फिर उसका. नहीं मैंने नहीं बताया average. मैंने नहीं बताया ऐसा है. कौन तू ये भाई, अच्छे से नोट्स पढ़ो जाकर. एक बार जो दिमाग में चीज फिट है उसको भूलो, वापस से नोट्स पढ़ो. तुम्हारे क्वेश्चन में मिस्टेक आ रहा है तो नोट्स में देखो, कहीं तुम क्वेश्चन को गलत तरीके से तो नहीं कर रहे. ठीक है okay, मैंने ऐसा sir. कभी नहीं बताया कि भाई मोल निकालने के बाद मास से डिवाइड करो, कभी नहीं बताया. चलिए अब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, बहुत बहुत टाइम हो गया हमें थ्योरी में. देखो हमने क्या करना है, तुम्हें मैं क्वेश्चन दूंगा अभी करने को. देखो मैं एक बार दिखा देता हूं तुम्हें वापस से. हे भगवान किधर गया ये. देखो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पढ़ रहे थे है ना, ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग पढ़ रहे थे. उसमें देख लो एक बार, ऑक्सीडेशन नंबर में मैंने तुम्हें कुछ रूल्स बताए थे कि भाई ऐसे ऐसे होता है. ठीक है रूल्स मैंने बताए थे तुम्हें, और वो रूल्स बताने के बाद एक असाइनिंग बताया था, प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे असाइन करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, फिर कुछ कुछ बताए थे कि कैसे कैसे किनके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं. ठीक है अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसमें तुम्हें सभी के ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, सभी के किसके, जिनको मैं अंडरलाइन करूंगा, सिर्फ उन्हीं के. चलिए क्वेश्चन देता हूं मैं तुम्हें है ना, एक सेकंड रुको मैं निकाल लेता हूं. क्वेश्चन क्या है,
determine the oxidation number of underlying elements. जिनको अंडरलाइन करूंगा ना उन्हीं को निकालना है ना. इन द फॉलोइंग स्पीशीज, ठीक है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज H2SO3. पहले मैं लिख देता हूं, बाद में अंडरलाइन कर दूंगा ना. पहले मैं एक साथ सभी को लिख देता हूं, लास्ट में अंडरलाइन कर दूंगा. फोर इज N2O, फिफ्थ इज LiAlH4, सिक्स्थ इज H3PO2, सेवन इज C2O4 2-. कुछ ऐसे भी है जो मैंने पहले करवा दिए, तो कोई नहीं, वापस से लिख लो, एक साथ आ जाएंगे सारे लोग. Fe 0.930, 15 में कौन है? ZnO2 2-. 16 कौन है? FeNO+ H2O5 और ओवरऑल पर चार्ज है 2+ का. एंड लास्ट 17 इज MN3O4. अंडरलाइन कर देता हूं मैं किस किस का निकालना है. सल्फर का निकालना है, कार्बन का निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है, नाइट्रोजन का निकालना है, एल्यूमिनियम का निकालना है, फॉस्फोरस का निकालना है, इसमें कार्बन का निकालना है, इसमें पोटेशियम का निकालना है, इसमें क्रोमियम, इसमें भी क्रोमियम, इसमें MN, इसमें Fe, इसमें CR, इसमें Fe, इसमें जिंक, इसमें भी Fe और इसमें MN. अंडरलाइन किया है मैंने, जिनको अंडरलाइन किया उनको निकालो, बताओ.
उनके इक्वल है। सॉल्व करेंगे x का वैल्यू अगेन आएगा प्लस 4, ठीक है? यस सर। थर्ड है NO, नाइट्रोजन का निकालना है वो x, एक ऑक्सीजन है, एक का होता है माइनस टू इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू प्लस टू। फोर्थ N2O, नाइट्रोजन का निकालना है, दो नाइट्रोजन है, एक का x माना था प्लस एक ऑक्सीजन है उसका माइनस टू होता है इक्वल टू जीरो, सॉल्व करेंगे x का वैल्यू आएगा प्लस 1। समझ आ रही है बात? यस सर। यस सर। फिफ्थ LiAlH4 है, लिथियम, प्रायोरिटी ऑर्डर में टॉप पर रहता है, नंबर 1 पर, तो निकालने की जरूरत नहीं है, प्लस 3 ही आएगा, ठीक है? बोलो। तो मतलब बाकी H का नहीं निकालना है? अंडरलाइन कौन है? एल्यूमिनियम। मैंने क्या लिखा था? डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट्स। H3PO2 में निकालना है फास्फोरस का, तीन हाइड्रोजन है, एक का प्लस 1 होता है, फास्फोरस का x मान लिया, दो ऑक्सीजन है, एक का माइनस 2 होता है, ओवरऑल इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे यहां से, सॉल्व करने पर व्हाट वी विल गेट, x इक्वल टू प्लस 1। प्लस 1 सर, लिथियम तो एलिमेंट से ऊपर होता है। ऐसा किसने बोला? मैंने तो नहीं बोला। कब बोला मैंने? अल्कली मेटल। अरे यार, एक तो तुम्हारा दिमाग है ना खतरनाक है इतना। ये नंबर 1 पर है, सारे लोग नंबर 1 पर है, सब एक जैसे ही हैं, सब नंबर 1 पर बैठे हैं, ठीक है? तो सभी नंबर 1 है, चाहे एल्यूमिनियम को नीचे लिख दिया मतलब थोड़ी ये नंबर में नीचे आ गया, नंबर 2 पर ये है, नंबर 3 पर ये है। अल्कली मेटल, अर्थ मेटल, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम, गैलियम, सबका नंबर 1 प्रायोरिटी होता है। सेवंथ, सेवंथ में हमारे पास C2O4 2-, कार्बन का मान लिया x, दो कार्बन था 2x, चार ऑक्सीजन, एक का माइनस 2, ओवरऑल माइनस 2 के इक्वल है, सॉल्व करेंगे x इक्वल टू प्लस 3, ठीक है? सॉल्व करना तो आता है, इतनी मैथमेटिक्स तो आती होगी। K2O3 में पोटेशियम का निकालना है, पोटेशियम टॉप पर रहता है, डायरेक्टली लिख देंगे प्लस 1। बोलो। यस। अब देखो इसमें दो पोटेशियम में एक का होता है प्लस 1, दो क्रोमियम में एक का x मान लिया, सात ऑक्सीजन है, एक का माइनस 2 होता है, ओवरऑल इक्वल टू 0, सॉल्व करेंगे x इक्वल टू प्लस 6, ठीक है? 10th है KCRO4, सॉरी K2CRO4, दो पोटेशियम में एक का प्लस 1, क्रोमियम का x, चार ऑक्सीजन है, एक का माइनस 2, ओवरऑल इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 6। समझ आता है? MnO2, Mn का मान लिया x, दो ऑक्सीजन है, एक का माइनस 2 होता है, ओवरऑल इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू प्लस 4, क्लियर है? बोलो। यस सर। Fe2O3, दो आयरन है, एक का x मान लिया, प्लस 3 ऑक्सीजन है, एक का माइनस 2 होता है, इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 3। 13, CrO2Cl2, क्रोमियम का x मान लिया, दो ऑक्सीजन है, एक का माइनस 2 होता है, दो क्लोरीन है, एक का माइनस 1 होता है, ओवरऑल इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस 6। 14, Fe0.93O, Fe का निकालना है, Fe का x मान लिया, Fe है कितना टोटल 0.93, प्लस एक ऑक्सीजन है, होता है माइनस 2 इक्वल टू 0, x का वैल्यू निकालोगे तो प्लस में 200/93 आएगा, ठीक है? यस सर। चलिए 15, कौन है 15 पर, ZnO2 2-, जिंक का x मान लिया, दो ऑक्सीजन था, एक का माइनस 2 होता, ओवरऑल माइनस 2 के इक्वल, x इक्वल टू प्लस 2 आ जाए। क्लियर है? यस सर। 16 में बताओ, 16 में किसी ने निकाला आयरन का, FeNO+ H2O5
ओवरऑल पर प्लस टू, कितना आएगा आयरन का? प्लस टेन। प्लस कितना? टेन। टेन, अरे भाई प्लस टेन, पूरे पीरियोडिक टेबल में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो प्लस टेन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। हाईएस्ट ऑस्मियम और जिंक शो करते हैं प्लस एट, बस इसके ऊपर कोई नहीं है। देखो आयरन का एक्स मान लिया, ध्यान से समझना मेरी बात, एनओ कितना है? एक है एनओ, और एनओ पर चार्ज है प्लस वन। एच टू ओ कितने? फाइव। एच टू पर चार्ज है जीरो, ओवरऑल चार्ज है टू प्लस के इक्वल। सॉल्व करेंगे एक्स का वैल्यू आएगा प्लस वन, ठीक है। बोलो Mn3O4 मैंगनीज का माना x, तो तीन मैंगनीज है तो थ्री एक्स प्लस फोर माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस में एट बाय थ्री। समझ गए? यस सर। सर एक बार 16 का बताओ ना। आयरन का एक्स मान लिया, एनओ एक था, एनओ पर चार्ज था प्लस वन, एच टू ओ फाइव थे, एच टू पर चार्ज था जीरो, आ गया बस जीरो, बस 15। क्या एक्स को सॉल्व कर लो प्लस वन आ जाएगा। अब देखो है क्या हमारे पास, हमने जो ये मेथड जो हमारा था ना, ये कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ये हमने ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का नाम सुना है कभी? इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव ही होता है ना, एक टर्म होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है ना, उस टर्म का नाम सुना है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? यस सर। कोई यस सर आवाज है, किसी ने सुना है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी टर्म का नाम? हाँ सर। क्या होता है? बता सर। उसका कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का। पावर टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इतना एग्जैक्ट मतलब नहीं बता रहा, इतना मान लो पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। उसका एक ऑर्डर भी मैं लिखा देता हूँ, जिस ऑर्डर को वैसे भी प्योरली याद ही रखना होता है, मैं पहले ही बता देता हूँ ऑर्डर क्या होता है। इतना इतना याद रख लो, है ना, ये याद रखना होता है, इसके बाद वाले याद नहीं रखने, इतना याद रखो एफ ओ एन सी एल बी आर आई एस, है ना। जैसे मान लो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना, कल को इनके बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो फ्लोरीन का तो खुद का इलेक्ट्रॉन है ही, यही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, कल को इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा बताओ? फ्लोरीन। फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी फ्लोरीन ले गया, तो फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ले गया तो उसके ऊपर आ जाएगा माइनस का चार्ज, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो उस पर आएगा प्लस का चार्ज, ऐसा होता है, ठीक है। जैसे मान लो अभी है ना, अब इतना समझ आ गया ना, ऐसे चार्ज आता है कि जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा वो ले जाते हैं। सपोज करो एग्जाम्पल नंबर वन, तुम्हें किसी ने बोला H2O के बारे में बात करो, H2O में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या क्या होगा, वैसे तो हम निकाल सकते हैं बट फिर भी मैं बताता हूँ। तो H2O का स्ट्रक्चर में बनाऊं तो स्ट्रक्चर H2O का कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड है तो एक एक ऐसे इलेक्ट्रॉन। अब एक एक बॉन्ड को देखो, अगर ये बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड कल को ब्रेक हो जाए तो इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा? ऑक्सीजन लेके जाएगा, तो इस बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पर माइनस वन और हाइड्रोजन पर प्लस वन, ऐसे दूसरे वाले बॉन्ड की वजह से भी ऑक्सीजन पर माइनस वन और हाइड्रोजन पर प्लस वन, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर चार्ज देखें तो ऑक्सीजन पर कितना चार्ज आ गया है, डेवलप हो गया है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप हो गया ऑक्सीजन पर, माइनस टू टोटल, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू, और हाइड्रोजन पर कितना है,
हर हाइड्रोजन पर प्लस वन है तो हाइड्रोजन पर प्लस वन, तो तुम तो वैसे भी देख सकते हो ऑक्सीजन पर माइनस टू रहता है, हाइड्रोजन पर प्लस वन, समझे मेरी बात को? बोलो। यस सर। एक और एग्जांपल लेता हूं, है ना, लास्ट एग्जांपल है आज की क्लास का, फिर मैं तुम्हें होमवर्क में दूंगा कुछ। H2SO4 है ना, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH। अब कोई मुझे ये नहीं बोलेगा स्ट्रक्चर कैसे बने, स्ट्रक्चर ऐसे ही होती है ना, कैसे बनती है वो बाद में हम लोग बात करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन भी मैं दिखा देता हूँ। सॉल्व करने के लिए स्ट्रक्चर बनानी कंपलसरी है क्या? क्या करने के लिए? हाँ बिल्कुल, हेडिंग है हमारे कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर तो आनी चाहिए ना। अब देखो, अब एक एक बॉन्ड को देखता हूं मैं, बिल्कुल राइट मोस्ट से स्टार्ट होता हूँ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कल को अगर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो ऑक्सीजन पर माइनस वन और हाइड्रोजन पर प्लस वन आएगा। यस सर। ऐसे ही लेफ्ट मोस्ट पर चला जाता हूं, हाइड्रोजन पर प्लस वन आएगा, ऑक्सीजन पर माइनस वन आएगा, ठीक है। अब राइट वाले सल्फर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को देखो, अगर बॉन्ड कल को ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन और सल्फर पर क्या क्या चार्ज आएगा? ऑक्सीजन पर माइनस वन और सल्फर पर प्लस वन, क्योंकि सल्फर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऐसे इधर वाले से भी देखे तो सल्फर पर प्लस वन, ऑक्सीजन पर माइनस वन। अब डबल बॉन्ड को देखो, ऊपर वाला डबल बॉन्ड, कल को ये ब्रेक हो जाए तो ऑक्सीजन पर कितना आएगा? माइनस टू आएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है दो इलेक्ट्रॉन इसलिए, और सल्फर पर प्लस टू। ऐसे ही सल्फर पर नीचे भी प्लस टू और ऑक्सीजन से माइनस टू। अब देखो चार्ज, देखो सभी पे देखो कितना कितना ऑक्सीडेशन नंबर आ रहा है। हाइड्रोजन पर हमेशा प्लस वन आ रहा है, ऑक्सीजन पर हमेशा माइनस टू आ रहा है। यहां से भी माइनस टू, ऊपर से भी माइनस टू, लेफ्ट से भी माइनस टू, राइट से भी माइनस टू, दिख रहा है? बोलो। यस सर। सल्फर पर कितना आ रहा है काउंट कर दो। सिक्स प्लस सिक्स, सिक्स नहीं प्लस सिक्स, ठीक है, समझ गए? यस सर। एग्जाम्पल थ्री है SO3, एग्जाम्पल फोर है H3PO4, एग्जाम्पल फाइव है CrO5, एग्जाम्पल सिक्स है NH4+। ये तुम्हें घर से करके लेके आने होमवर्क में। कैसे करेंगे सर, स्ट्रक्चर तो नहीं पता, करोगे ना भाई? मैं बना के देता हूँ स्ट्रक्चर, मुझे सबका स्ट्रक्चर याद है। आज का होमवर्क सिर्फ यही है, इंडिविजुअल सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगाना है ना। NH4+ ऐसा होगा, समझ गए? ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या होगा? क्या वो जो एग्जांपल फाइव है उसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन वाला जो ब्रांड है, कुछ नहीं होगा, दोनों कुछ नहीं होगा, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएंगे, कोई छीना छपटी नहीं चलेगी, कोई किसी के इलेक्ट्रॉन छीनेगा नहीं, सब अपने अपने लेके चले जाएंगे। जैसे है ना, यहाँ पर तो छीना छपटी हुई थी ना, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और फ्लोरीन था, तो फ्लोरीन पावरफुल था तो हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन ले गया था, ठीक है सर। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो सब अपने अपने ले जाएंगे, क्योंकि पावर इक्वल है इसलिए। चलो फिर आज के क्लास के लिए इतना ही, होमवर्क यही है जो मैंने दिया है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है सर। एग्जांपल सिक्स देखो, क्या बोल रहा है? एग्जांपल सिक्स वो लिखाने, लिखना थोड़ी है, मैं पीडीएफ सेंड करूंगा ना, देख लेना उसमें, ठीक है? ओके ओके सर, बाय। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल।